आज हम करें क्वेश्चन 8 का ई, जो कि है क्रिएट अ क्लास कार विच कंटेन्स मेंबर्स स्पीड और नंबर ऑफ केयर। ठीक है, दो मेंबर्स हमें करने हैं इनिशियलाइज, स्पीड और नंबर ऑफ केयर। द क्लास हैज़ अ मेथड ड्राइव व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्टार्टिंग स्पीड एंड नंबर ऑफ केयर्स टू अ कार। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाएंगे कार को, और क्वेश्चन 8 है, तो मैं इधर क्वेश्चन at.java। अब इसके अंदर एक क्लास बनानी है कार करके, उसमें रखना क्या है सबसे पहले, तो स्पीड नंबर ऑफ केयर, तो इन स्पीड और नंबर ऑफ गेयर। ठीक है, ये रख दिया। इसके बाद क्या करना है कि एक ड्राइव मेथड होगी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्टार्टिंग स्पीड, तो वॉइड ड्राइव, अब वो स्टार्टिंग स्पीड और नंबर ऑफ गेयर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि हम करेंगे दिस डॉट स्पीड, स्पीड स्टार्टिंग स्पीड देंगे चलो 60। ठीक है, 60 भी एवरेज स्पीड है जो हमें चलानी चाहिए जितने पर, और नंबर ऑफ गियर है हम रखते हैं 5, चलो क्योंकि 5 कॉमन गियर साइज है, आप कुछ भी रख सकते हो इधर। फिर क्या करना है कि इम्प्लीमेंट डिस्प्ले मेथड विच विल डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट ऑफ कार क्लास। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड बनाना है जो ये दोनों ये हमारे है स्पीड नंबर ऑफ गियर उसको डिस्प्ले करेगा, तो void डिस्प्ले, और वो क्या करेगा सीस आउट सबसे पहले तो स्पीड, तो स्पीड कितनी है वो करेगा दिस डॉट स्पीड। ठीक है, और उसके बाद सीस आउट क्या होगा कि नंबर ऑफ गियर्स और दिस डॉट नंबर ऑफ गियर। ठीक है, ये दोनों मैंने डिस्प्ले में प्रिंट कर लिया। अब मुझे क्या कहा है कि अब द क्लास स्पोर्ट कार इज डिराइव फ्रॉम द क्लास कार विच एड्स न्यू फीचर्स एयर बलून टाइप। एक क्लास बनानी है स्पोर्ट कार, वो डिराइव होगी कार में से, तो हमें एक्सटेंड की ओर यूज करके उसको इनहेरिट करना है, और उसमें एक नया फीचर होगा एयर बलून टाइप। तो मैं क्या करूँगा इधर क्लास स्पोर्ट कार, और उसको एक्सटेंड भी तो करना है। ठीक है, तो एक्सटेंड्स कार, अब इसमें क्या करना है कि एक एयर बलून टाइप का फीचर देना है, तो मैं इसको इंट रखूँगा। ठीक है, एयर बलून टाइप, अब इसमें क्या होगा कि व्हेन दिस मेथड इनवोक इनिशियल स्पीड एंड गियर स्टेटस मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन कंसोल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो जो ड्राइव मेथड है मेरा, ड्राइव मेथड इसमें ये इनिशियलाइज करता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी गियर कितने होंगे, तो मैं इधर भी एक ड्राइव मेथड रखूँगा जो इनिशियलाइज करेगा कि एयर बलून टाइप का जो नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, और अगर इधर कुछ कहा नहीं है कि ड्राइव मत रखो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको इधर इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, इसको इधर ही ऐसे बंद कर दो, वो भी चलेगा, लेकिन मुझे दिखाना इसका जो पर्पस है ये फंक्शन ये जो प्रोग्राम का वो दिखाऊँगा मैं, तो उसके लिए मैं इधर फिर से लिखूँगा ड्राइव। ठीक, मैंने देखो ये सेम नाम था, ठीक है, उसको ही मैंने ओवरराइड किया, और इधर मैंने लिखा दिस डॉट एयर बलून टाइप इक्वल्स टू 1। मैं अभी ये मान रहा हूँ कि अगर 1 हो तो उसमें एयर बलून है, और अगर 0 हो तो एयर बलून नहीं है। एयर बलून जो भी बड़ी गाड़ी होती है उसमें होता ही है, लेकिन छोटी गाड़ियों में एयर बलून नहीं होता। ठीक है, तो एयर बलून टाइप 1 यानी है तो 0, मैंने मेरे हिसाब से रखा, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग ले लो, इसको यस रख दो, नो रख दो, तो भी चलेगा। तो मैंने ये किया दिस डॉट एयर बलून टाइप 1, और ये ड्राइव में किया। अब क्या करना है मुझे ओवरराइड डिस्प्ले मेथड, ठीक है, डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड करके क्या करना है विच डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द स्पोर्ट कार। ठीक है, तो ऑल एट्रीब्यूट ऑफ स्पोर्ट कार मुझे करना है। ठीक है, अब मेक यूज़ ऑफ सुपर क्लास डिस्प्ले मेथड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ओवरराइड करना है डिस्प्ले को, और इसमें लिखा है देखो कि मेक यूज़ ऑफ सुपर क्लास डिस्प्ले मेथड, तो मुझे अगर सब एट्रीब्यूट प्रिंट करने हैं तो उसमें ये भी तो आएगा कि स्पीड कितनी है सुपर कार की, सॉरी स्पोर्ट कार की, और नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं स्पोर्ट कार के। ठीक है, तो ये दोनों भी प्रिंट करवाने हैं, तो अगर मैं ये दोनों पूरा कॉपी करके पेस्ट करूँ, ठीक है, तो कोडिंग में एक रूल है कि आप अगर कॉपी कर रहे हो पूरे कोड को तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो हमें ये कॉपी नहीं करने, हम क्या करेंगे सीधा, मैंने आपको पिछले फंक्शन में बताया था पिछले वीडियो में कि आप सुपर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सुपर क्या करेगा, सुपर है जो आपका पेरेंट क्लास है जिसमें से हमने ये एक्सटेंड किया है। ठीक है,
ये कार में से एक्सटेंड किया है, तो कार की मेथड है उसको कॉल करेगा। तो सुपर डॉट डिस्प्ले कर दूँ तो क्या होगा कि हमने ये डिस्प्ले मेथड कॉल किया तो ये कॉल होगा सबसे पहले, उसमें ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि सुपर डॉट डिस्प्ले यानी ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा तो उसमें स्पीड डिस्प्ले हो जाएगी, नंबर ऑफ रीड्स हो जाएंगे। अब उसके बाद मैं डिस्प्ले क्या करूँगा, एयर बलून टाइप, तो मैं इधर लिखूँगा एयर बलून बैलून बलून एयर बलून टाइप दिस डॉट एयर बलून टाइप। ओके, तो मैंने क्या किया कि इधर सुपर यूज़ किया ठीक है, सुपर डॉट डिस्प्ले, तो ये दोनों प्रिंट हो गए और फिर ये प्रिंट हुआ। ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि जब मैं ये ड्राइव मेथड को बुलाऊँगा तो ड्राइव मेथड को बुलाने से पहले ये होगा इनिशियलाइज, लेकिन मुझे स्पीड को भी इनिशियलाइज करना है ठीक है, तो मैं इसके लिए ये ड्राइव मेथड बुलाऊँगा। उसके लिए मैं इधर दिस नहीं सुपर सुपर डॉट ड्राइव ठीक है, तो ये कॉल होगा सबसे पहले, तो स्पीड और नंबर ऑफ फेयर हो जाएंगे और फिर एयर बलून टाइप की जो टाइप है वो चॉइस होगा। अब क्या करना है मुझे, बस अब डिस्प्ले करना है स्पोर्ट कार के ऑब्जेक्ट को, तो मैं इधर मेन फंक्शन बनाऊंगा स्पोर्ट कार एस इक्वल टू न्यू स्पोर्ट कार। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एस डॉट ड्राइव करूँ सबसे पहले, फिर एस डॉट डिस्प्ले करूँ सबसे पहले ठीक है, तो उससे अच्छा है कि एस डॉट ड्राइव एस डॉट डिस्प्ले करूँ। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं सीधा एस डॉट डिस्प्ले करूँ और एस डॉट डिस्प्ले में सबसे पहले ये वाला डिस्प्ले हो और उससे भी पहले ये ड्राइव डिस्प्ले हो ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ ठीक है, मैं दोनों को सेम ना रखूँ तो मैं कर सकता हूँ इंडिविजुअली। तो एस डॉट ड्राइव करूँगा सबसे पहले और एस डॉट डिस्प्ले करूँगा ठीक है, मैंने दोनों कॉल कर दिए, वरना मैं इधर क्या करता, इधर मैं एस डॉट ड्राइव रख देता ठीक। इसमें भी देखो एक ऐसा है कि जो सुपर को हम कॉल करते हैं वो सबसे पहले ही होना चाहिए ठीक है, वो सबसे पहले हो उसके बाद ही हम जो कोड है वो लिख सकते हैं। तो मैं कॉल करूँगा इंडिविजुअली, तो ड्राइव को कॉल करूँगा, डिस्प्ले को कॉल करूँगा, तो ड्राइव को डिस्प्ले को, और अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ तो तीनों ओके, मैंने फाइल सेव नहीं की, देखो फाइल फाइल सेव हो गई। अब रन करूँ अगर तो हो जाएगा नो डाउट, तो तीनों वैल्यू फिर मिल जाएगी 65 और ये 1 ठीक है, तो 65 और 1। तो बस इतना था प्रोग्राम में, सिर्फ ये समझाना था कि ऐसे सुपर डॉट को कॉल करो ठीक है, और ऐसे आप ओवरराइड कर सकते हो ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस को समझाने के लिए था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इसको खुद से लिखने का ट्राई कीजिए, अगर खुद से ना लिख पाओ तो डिस्क्रिप्शन में कोड है उधर से ले लो ठीक है। तो मिल जाएगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।